हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उस पर पोस्ट डालते हैं या कोई वीडियो या रील बना के डालते हैं, तो आप उसमें हैशटैग का यूज़ ज़रूर करते होंगे, क्योंकि हैशटैग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट में, चाहे वो वीडियो हो, रील हो या फिर आपकी कोई फ़ोटो हो। क्योंकि अगर आपका हैशटैग रैंक कर जाता है तो आपकी जो वो वीडियो या पोस्ट जो भी आपने डाली है वो वायरल हो जाती है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उससे आपकी जो ऑडियंस है वो आपके पोस्ट के साथ, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ एंगेजमेंट उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पे विजिट होते हैं, आपके फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं अगर उन्हें आपकी प्रोफाइल, आपकी वीडियोस रील अच्छी लगती हैं तो। और आपके व्यूज़ जो होते हैं वीडियो पे वायरल होती है तो उस पर लाखों मिलियन व्यूज़ भी आते हैं। और दूसरा बेनिफिट हैशटैग लगाने से ये होता है कि आप जब भी किसी हैशटैग को सर्च करते हैं, अगर कोई भी आपके हैशटैग को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च करेगा तो उसे वहाँ पे भी आपकी वीडियो ऊपर रैंक करती हुई नज़र आएगी, तो वो वहाँ से भी जाके आपकी वीडियो को वॉच कर सकता है। इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियो की रीच बढ़ती है, तो आपका इंस्टाग्राम इससे ग्रो होता है। पर अब ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट या वीडियो या रील बनाते हैं तो उसमें हम जो भी हैशटैग लगाते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक पोस्ट, वीडियो, रील के लिए आपके जो हैशटैग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें कौन से हैशटैग लगाएं, कहाँ से लाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, चाहे वो वीडियो हो, रील हो या कोई फ़ोटो हो, उसके लिए बेस्ट हैशटैग्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपका टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में ही आप अपने हैशटैग्स को लगा पाएंगे, जस्ट 1 to 2 मिनट्स। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको हैशटैग्स जो मिलेंगे वो बेस्ट हैशटैग होंगे, जिनसे आपकी रैंकिंग में आपको मदद मिलेगी, आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल अपना ओपन किया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपको एक एप्लीकेशन को इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है आपको इंस्टा टैग, एक साथ ही लिख देना है और सर्च करना है। ठीक है, तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और नीचे जाना है, आपको मोर रिजल्ट्स पे क्लिक करना है और नीचे जाएंगे और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंस्टा टैग, ये वाला आपको एप्लीकेशन जो है, इस वाली एप्लीकेशन को आप पे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है और अगर आपको ये यहाँ पे सर्च में नहीं मिलती तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ईज़िली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है इसे, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें आपको कैसे कैसे सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो ये ऐप ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जिससे भी रिलेटेड आपका पोस्ट है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फूड से रिलेटेड है तो फूड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी, कप्स, रेसिपी, इंडियन फूड, इटालियन, चाइनीज़, आइसक्रीम्स है, केक्स है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे इंडियन फूड है तो ये इंडियन फूड के हो गए। ठीक है, यहाँ से जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे एक क्लिक में ही कॉपी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बैक आते हैं, जैसे अगर आप रील्स वगैरह बनाते हैं तो एंटरटेनमेंट में आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम है, रील्स है, तो रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रील्स के लिए हो गए। अब जिस तरीके के आपके रील है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बॉलीवुड किसी सॉन्ग पे है तो वो आप ये वाले टैग्स हो गए। इस तरीके से यहाँ पे हर कैटेगरी के आपको, जैसे डांस का है तो यहाँ पे डांस के हो गए। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, जिस भी कैटेगरी के आपकी वीडियो या पोस्ट होगा, जैसे नेचर का कोई पोस्ट है या कोई भी आपकी अपनी पिक है, ब्यूटी में आ गई वो, ठीक है, नेचर का है तो ये आर्ट और फोटोग्राफी में आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक आ जाएंगे। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं कोई रील डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रील्स इस पे जाऊँगा
और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये कॉपी हो गई, नीचे लिखा भी आ रहा है। होम पेज पे आ जाएंगे और हम अपने इंस्टाग्राम में जाएंगे, इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम खुल गया। उसके बाद हम यहाँ नीचे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे ये प्लस का आइकन दिखाई देगा ऊपर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं रील यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ कोई, ठीक है, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है तो अपनी गैलरी में जाके मैं जल्दी से एक रील इसमें अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने एक रील यहाँ पे अपलोड कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हैशटैग कैसे लगाना है, इनको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैप्शन आपको लिखना है तो जैसे टूर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको हैशटैग कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे डॉट डॉट करके नीचे रखना है ताकि ये सामने वाले को बिल्कुल इसके साथ ना दिखाई दें। तो आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो हैशटैग कॉपी किए हैं उनको कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे हैशटैग आ गए हमारे जो भी हमने लगाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हैशटैग लगाने हैं। ये नीचे मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि कोई भी अगर आपके पोस्ट को देखे तो उसे बस यहीं यहाँ तक दिखाई दे, शो मोर पे करेगा जब भी वो देखेगा, लेकिन मोस्टली लोग केवल यही वाला कैप्शन देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने जो भी रील या इंस्टाग्राम के कोई भी पोस्ट है उसके अंदर हैशटैग्स को यूज़ करना है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर बैक आ जाना है और इसे पोस्ट कर देना है। नीचे आके नेक्स्ट कर देंगे और इसे पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अपने किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बेस्ट हैशटैग्स को फाइंड करना है और उन्हें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से अपने किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट, चाहे वो वीडियो हो, रील हो, या आपकी कोई फ़ोटो हो, या फिर आपने कोई भी पोस्ट हो आपकी, उस पर आप कैसे हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से उन्हें फाइंड आउट करना है और कैसे अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को आप रैंक करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।